हेलो गाइस, फिर से आपका एक और नया वीडियो में स्वागत है। तो जैसा कि गाइस, जो लोग गार्डन में इंटरेस्ट रखते हैं, ये वीडियो आज उनके लिए है। और जिनके गार्डन में गोल्डन हेज के ट्री लगे हैं, उनके लिए ये वीडियो बनाया है। उनको इनको काटने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और वो कैंची से इन ट्री को काटते हैं, पर वो इनको एक अच्छी शेप नहीं दे पाते। तो आज ये वीडियो उन्हीं के लिए है कि हमने इनको काटने का एक ऐसा जुगाड़ बनाया है जिससे काफी इजी तरीके से आप इस गोल्डन हेज के ट्री की अच्छे से कटिंग कर सकते हैं। आपने बहुत बार देखा होगा कि लोग कैंची से काटते हैं, जैसा कि आप इस तरह से देख सकते हैं कि लोग कैंची से इन गोल्डन हेज के ट्री को इस तरह की कैंची से काटते हैं, पर वो एक इनको अच्छे से शेप नहीं दे पाते और उनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उन्हीं दिक्कतों को देखते हुए हमने एक ऐसा जुगाड़ बनाया है जिससे काफी अच्छे तरीके से गोल्डन हेयर के ट्री को काट सकते हैं। तो जैसा कि हम आपको वो जुगाड़ बताएंगे, तो जैसा कि गाइस आप ये देख सकते हैं कि हमने ये एक जुगाड़ बनाया है जिससे काफी अच्छे तरीके से हम गोल्डन हेज के ट्री काट सकते हैं। तो इसमें कोई बड़ी मशीन नहीं लगाई है, जैसा कि आप ये हैंड ग्राइंडर देख सकते हैं। आपने इसको अक्सर देखा होगा कि लोग लोहे काटने, लकड़ी काटने में इसका यूज करते हैं। तो हमने इसी ग्राइंडर का यूज किया है, और इसमें ज्यादा कोई इसमें एक छोटा सा जुगाड़ बनाया है और आगे एक ब्लेड लगाई है, इससे हम इसकी कटिंग करेंगे। और हमने कुछ इसको इस तरह से डिजाइन किया कि आप इसे इजीली अपने हाथों से पकड़ सके और गोल्डन हेज के ट्री काट सकते हैं। तो जैसा कि गाइस हमने आपको बताया कि इस जुगाड़ से आप बड़ी इजीली गोल्डन हेज के ट्री काट सकते हैं। तो अभी हम आपको इसका लाइव डेमो करके बताएंगे कि आप कैसे काटेंगे। तो चलिए हम आपको आगे बताते हैं। उससे पहले आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जरूर लाइक करें। तो चलिए हम आगे का वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे कि गाइस अब हम इनकी कटिंग करते हैं, सबसे पहले हम मशीन को स्टार्ट कर देंगे।